इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से वाईफाई क्यूआर कोड और साथ ही साथ में क्या बोलता है स्कैन करके आप इजीली कनेक्ट कैसे कर सकते हो बिना पासवर्ड के। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। मेरे पास है जो आप देख सकते हैं रियलमी का और जो कि वीवो का फ़ोन है, तो इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें मेरा वाईफाई अभी कनेक्टेड है आप देख सकते हैं, और इसमें कनेक्टेड नहीं है और इस पर मेरा इसका वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता है। तो बिना पासवर्ड का आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसका वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता है तब भी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे है। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाने के बाद आपको वाईफाई को ऑन करना है। आप चाहे तो वाईफाई को दबा के रखेंगे तो भी आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो वाईफाई कनेक्टेड है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा तो इस पर क्लिक करना है। अगर लॉक लगाओ तो खोल लीजिएगा और यहाँ पर आपका क्यूआर कोड दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी यही चीज़ आपको करना होगा। इसमें क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाते ही वाईफाई पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद ऊपर में आपको वाईफाई स्कैनर दिख जाएगा। अगर ये ऑफ होगा तो दिखेगा नहीं, अगर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप स्कैन करने के लिए बोल रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको स्कैन करूँगा इसके साथ, और देखिएगा अब मेरा वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ऊपर में बिना पासवर्ड के वाईफाई कनेक्ट हो गया है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।